हाय ट्रिब्यूटीज, कैसे हैं आप सब? ऑनेस्ट रिव्यू जो मैंने दिया था चाकुल गुड वाइब्स के बारे में, सो आपको एक क्ले मास्क खरीद करना चाहते हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो इस वीडियो में मैं उसे भी अप्लाई करके दिखाऊं, सो मेरा DIY चारकोल फेस मास्क आपके साथ शेयर करूंगी। ज्यादा बात नहीं करते, चलिए वीडियो में। सो चलिए, फेस पैक कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ, और कैसे भी मैंने आपको चारकोल का ऑनेस्ट रिव्यू दे दिया है ना, सो अभी आपकी मर्जी है कि आप घर का भी, इसलिए मैं दोनों दिखा रही हूँ। जो लेजी गर्ल्स है या कोई लेजी पर्सन है वो खरीद कर सकते हैं, ये अच्छा है, इसलिए मुझे इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। नहीं, अगर आप नहीं खरीद करना चाहते तो मेरा जो फेस पैक है मैं जो बता रही हूँ उस वे में एक बार ट्राई करके देखना। सो हमेशा आप जब भी फेस पैक, कोई भी फेस पैक लगाओ, तो फर्स्ट स्टेप है अच्छे तरह फेस को वॉश करना। मैंने अभी वॉश कर लिया है। सो अच्छे तरह फेस को वॉश करना, उसको थोड़ा सूखने देना। सूखने के बाद ये स्टेप प्लीज फॉलो करना, पता नहीं आप करते हो या नहीं। आप वेट वाइप से एक बार अपना फेस को क्लीन करना, अगर आपके पास नहीं है तो आप मिल्क, सो कॉटन लेके मिल्क में आप उसको डिप करके उससे क्लीन करना, उसके बाद आप फेस पैक लगाइएगा, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो हम सोचते हैं कि फेस वॉश करने से सब कुछ, हमारे जो ऊपर का डट है या डस्ट है या इम्प्योरिटीज है, वो चला जाता है, बट ऐसा नहीं होता है, वो थोड़ा बहुत रहता है। तो जब भी फेस पैक लगाओ, पहले अच्छे तरह मुंह धो, फिर सेकेंड स्टेप है कि आप वेट वाइप से, नहीं तो आप कॉटन को दूध में डिप करके अच्छे तरह आपका फेस आप पहले क्लियर कर लीजिएगा। सो मेरे पास दोनों है, मैं बट आपको मिल्क से करके दिखा रही हूँ। ये दूध में अच्छे तरह आप, और उसको अच्छे तरह फेस में आप जो भी बचा कुचा डस्ट है आपके फेस में वो भी क्लियर हो जाएगा। और जब भी आप ऐसे स्टेप फॉलो करेंगे तो जो, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि फेस पैक लगाया बट कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं है, तो आप जब, एक चीज याद रखना कि गंदे, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में कहा है कि गंदे फेस में अगर आप डस्ट फेस में आप कोई भी पैक लगाते हो तो आपको कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। देखिए, हम मैं ना मुंह धोते बट इतना सारा डस्ट है अभी भी मेरे फेस में। सो अभी वो क्लीन हो चुका है। अब मैं अपना फेस DIY फेस मास्क भी लगाऊंगी और जो मार्केट वाला है वो भी लगाऊंगी। DIY चाकुल फेस मास्क बनाती हूँ। सो ये चाकुल पाउडर है, मैंने ग्लास के जार में उसको ट्रांसफर किया है। सो मैं हाफ फेस DIY लगाऊंगी और हाफ फेस मार्केट वाला लगाऊंगी। सो एक स्पून मैंने चाकुल पाउडर लिया है। अब मैं इसमें हनी डालूंगी। एक बार इस तरह चाकुल मास्क बनाकर एक बार लगाइएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। एक ही साथ ज्यादा मत डाल दीजिएगा। अगर मैंने हाफ टी स्पून चारकोल पाउडर डाला है तो मैंने 1/4 मैंने हनी डाला है। बस ये दो ही इंग्रेडिएंट है। अगर आपके पास हनी नहीं है तो आप, अगर ड्राई स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, तो आप इसको हनी, अगर आपको सूट नहीं करता है तो आप इसको एलोवेरा से भी बना सकते हो। आपका ड्राई स्किन है तो आप इसमें मिल्क भी डाल के लगा सकती हो, क्योंकि आपका ड्राई है, सो मिल्क में ऑयली कंटेंट होता है तो वो आपको और ड्राई नहीं करेगा। आप इसको कर्ड में मिक्स करके लगा सकते हो। तो मैं तो हनी से लगा रही हूँ, तो मैंने आपको ऑप्शन भी दे दिया है, क्योंकि हनी और चारकोल जब मिक्स होते हैं तो देखिए इतना अच्छा ग्लॉसी टेक्सचर मिलता है और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। सो आप घर में ही, मार्केट वाला नहीं, घर में ही अच्छे तरह आप चारकोल को इस तरह एक बार लगा के देखिएगा। ये मेरा DIY है और ये देखिए ऑलमोस्ट खत्म भी हो रहा है। सो एक साइड ये वाला मार्केट वाला लगाऊंगी और एक साइड मैं अपना DIY। फेस पैक लगाते समय नीचे की तरफ मत लगाना, क्योंकि ये क्ले फेस पैक है ना, तो टाइट होगा। तो हमें ऊपर की तरफ, कभी भी कोई भी फेस पैक लगाओ आप ऊपर की तरफ लगाओ, जिससे कि आपका सैगी फेस ना दिखे। सो आपको ऐसे लगाना है। तो ये जो फेस पैक है वो जिनको DIY नहीं पसंद है।
आंखों के नीचे कोई भी फेस पैक मत लगाना, मैं गलती से चला गया। ऐसे अपलिफ्ट करना है आपको फेस को, जब भी कोई भी फेस पैक लगाओ ऐसे अप डायरेक्शन में लगाइएगा। सो इस तरफ मार्केट वाला मैंने लगा लिया, अभी हम अपना DIY फेस पैक लगाएंगे। सो ये दोनों का इंग्रेडिएंट सेम है, वो है चारकोल, एक है मार्केट वाला, एक है DIY। एक बार हनी और चारकोल का मास्क लगा के देखिएगा। जब भी मैं मास्क लगाती हूँ मैं नाइट टाइम ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग तक वो अपना काम करता रहता है जो भी हमने मास्क लगाया है। सो देखिए मेरा सूख गया है, बस 10 से 15 मिनट। जब भी आप याद रखना क्ले पैक कुछ भी लगाओ 10 से 15 मिनट, हाफ एन आवर ये सब नहीं लगाना चाहिए क्ले पैक में। स्मूथनिंग पैक्स होता है ना, वो आप कितना देर भी रखो तो भी चलेगा। जैसे एलोवेरा से कोई भी फेस पैक बना रहे हो या फ्लैक्स सीड से कोई भी फेस पैक बना रहे हो, जो भी जेल बेस्ड फेस पैक होते हैं तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट क्ले फेस पैक कभी भी 10 मिनट से ज्यादा, 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं रखना चाहिए। अब मैं मुंह धो के आती हूँ। तो देखिए मैंने पानी से अपना फेस पूरा अच्छे तरह वॉश कर लिया है। उसके बाद मैं आपको भी यही बोलूँगी और मैं भी यही करती हूँ, जब भी आप क्ले मास्क लगाओ या कोई भी नई चीज़ें लगाते हो, जैसे कि कोई भी नया फेस स्क्रब यूज़ कर रहे हो या फेस मास्क यूज़ कर रहे हो, कोई भी नई चीज़ें जब ट्राई करते हो तो एलोवेरा जेल ही लगाइए, जिससे कि अगर कोई भी आपको इरिटेशन जैसा फील हो उसको क्योर करने में हेल्प करता है। मार्केट वाला ही नहीं, आप प्लांट वाला जेल भी लगा सकते हो। मैं ज़्यादातर प्लांट से जेल निकाल के एक बार उसको मिक्सी चला देती हूँ और 1 वीक तक उसको स्टोर करके फ्रिज में रख देती हूँ। जब भी अभी तो मैं को आपको दिखाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, जब भी आइस क्यूब फॉर्म में रख देती हूँ, और जब भी मैं फेस पैक लगा लिया तो एक आइस क्यूब निकालती हूँ और अच्छी तरह उसको फेस में रब करके सो जाती हूँ। सो जब भी आप कोई भी फेस पैक लगाओ एलोवेरा जेल उसके बाद ज़रूर लगाना, और कोई क्रीम मत लगाना उसके बाद। जैसे आप मॉर्निंग उठते हैं हमारा रूटीन होता है वैसे ही, क्योंकि आपको ये फेस मास्क मार्केट वाला और DIY अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आपको पता है क्या करना है, CLSS, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। अगर व्यूअर है और मेरा वीडियो वॉच कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके जाना, भूल मत जाना। सो ऐसे ही मेरी वीडियोज़ देखते रहना, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करना। एक बार ज़रूर ट्राई करना ये DIY चाकुल फेस मास्क इस तरह। थैंक यू, बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।